नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं विकी गुप्ता इस चैनल के अंदर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएमए और प्रैक्टिकल के बारे में। हाँ, एनआईयूएस में अभी अभी जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको टीएमए और प्रैक्टिकल के बेस पर जो है वो पास करेंगे। जो भी आपने प्रैक्टिकल जमा किया था या टीएमए जमा किया था उसी के बेस पर आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो यार कल रात को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे को, और उन मैसेज को पढ़ के लगता है मुझे कि यार बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं कि यार वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं कि यार कैसे करें, कोई समाधान नहीं है, किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं। ठीक है, तो यार मैंने आपकी सिचुएशन के लिए ना, मैंने जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको उसके लिए मैंने यार सोचा, मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद यार मुझे ना बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। तो यार एक तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं ना यार जिनके चक्कर में पढ़ के आप लोग गुमराह हो जाते हो। देखो, एक तो भाई साहब इतने भोले भाले लोग हैं यूट्यूब के अंदर। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और ना ही किसी की बुराई करता हूँ, लेकिन यार एटलीस्ट तुम तो जब तुम बोल रहे हो कि यार तुम बच्चों के साथ नहीं खेल रहे, एटलीस्ट कोई तो है जो बच्चों के साथ सपोर्ट कर रहा है यार, तो तुम भी वैसे ही बनो। तो भाई मैं ऐसे ही मेरे एक दोस्त की वीडियो पे पहुंच गया मैं ऐसे ही, और यहाँ पर मैंने देखा कि हाँ भाई उसने कुछ एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ उस एप्लीकेशन पर तो ये लिंक खुल के आता है और कहता है भाई केवल 92 KB की इस डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के देखो यहाँ पे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। यार हद है, मतलब जमाखोरी की भी हद है। भाई साहब ने पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल तैयार कर रखा है, ये देखो ना अपना, ये देखो हर एक चीज़ का शॉपिंग मॉल तैयार कर रखा है अपना। तो पहली बात तो इनको खुद समझना चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़ो यार, मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ने वाला, मैं आपको डायरेक्ट आपकी समस्या का सॉल्यूशन देता हूँ कि आपको करना क्या है कैसे करना है। पहली बात, अगर आपके कुछ बच्चों ने मेरे को कहा कि सर ऐसा है कि हमारे जो है टीएमए के जो मार्क्स हैं हमारे को पहले आ रहे थे, शो हो रहे थे, लेकिन अभी शो नहीं हो रहे हैं, या सर हम क्या करें, हमारे को क्या कैसे करना पड़ेगा, तो देखो यार एक एनआईयूएस की जो वेबसाइट है ना, इस पर आप जाओगे, ये देखो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर जाके अगर आपने अब तक टीएमए अप्लाई नहीं किया है भाई और आपका टीएमए नहीं आ रहा है, तो भाई आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट पर जाओ, इस वेबसाइट पर जाने के बाद अपना इनरोलमेंट नंबर डालो, वही इनरोलमेंट नंबर जो आपके आई कार्ड पे है आप डालो उसको, और वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पहला सॉल्यूशन ठीक हो गया यहाँ तक। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, मैं ये जो तैयार कर रहा था ये डिस्क्रिप्शन ही तैयार कर रहा था आपके लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये लिंक है आपका, लिंक फॉर अप्लाई टीएमए। ऐसा है ना, एनआईयूएस ने कहा कि भाई ऐसा है, कल मैंने कुछ टाइम पहले आपको बोला था कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, सीबीएसई के साथ ही आ जाएगा, लेकिन फिर एनआईयूएस की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि यार बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एनआईयूएस सबमिट नहीं किया, और हम जो है सॉरी टीएमए सबमिट नहीं किया, और टीएमए के बेस पर ही हमें मार्क्स देने हैं, प्रैक्टिकल के बेस पर मार्क्स देने हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल सबमिट हुआ है टीएमए नहीं हुआ है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं यार जिनका जो दो सब्जेक्ट में टीएमए सबमिट हुआ है एक में नहीं हुआ है, ठीक है, या तीन सब्जेक्ट में टीएमए सबमिट कर दिया एक में नहीं किया, कुछ ने तो भाई सब प्रैक्टिकल टीएमए ही नहीं दिए, प्रैक्टिकल दिए हैं। तो यार ऐसे लोग क्या करें, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी, ठीक है, इस वेबसाइट को अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका HDMI करके आता हूँ, तो यार ये ना पूरा का पूरा स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है, ये आपकी हर समस्या का समाधान दे रहा है आपको, ये स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है। इस पे NIOS वालों ने देखो यहाँ पे ना अलग ही चीज़ बना रखी है, यहाँ पे इन्होंने टीएमए अगर आपने लेट सबमिट करना है तो उसके लिए बना रखा है। यार एक चीज़ और है कि जब आप सितंबर में टीएमए दोगे ना तो आपको तकरीबन 1500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से देने पड़ेंगे, और वो ना अफोर्डेबल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये करोगे कि आप पहले वहाँ जाओ जो मैंने लिंक दे रखा है अप्लाई टीएमए पे, जिन लोगों का टीएमए नहीं शो रहा है, पहले शो हो रहा था अब नहीं हो रहा है, तो उन देखो कुछ लोगों ने ये बोल रखा है कि हाँ NIOS की तरफ से, मैं आपको एक चीज़ अशॉर्ट कर देता हूँ, पहले तो जब आप TMA सबमिट करोगे तो आपके पास एक स्लिप होती है, ठीक है, आपके पास जो स्लिप होती है वो आपका प्रूफ है कि यार आपने TMA सबमिट कर रखा है, तो आपको कोई डरने वाली कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर भाई कल को आपके रिजल्ट पे नहीं आता है तो आप वहाँ दिखा सकते हो कि हाँ सर हमने TMA सबमिट कर रखा था, ठीक है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको मैं उसके लिए आपको मैं एक नंबर दे दूंगा कि यार आप उस नंबर पर जाके डायरेक्टली उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और वो लोग आपकी समस्या का सॉल्यूशन देंगे कि यार हाँ ये बच्चा इस वजह से परेशान है तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। एक तो देखो इनका ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हो, लेकिन हाँ भाई NIOS एक बड़ा सेंटर है
और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो भाई लगेगा कम लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, लेकिन ट्राई करते रहोगे, ट्राई ट्राई मस्ट ट्राई, ये वाली कोड तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो एक तो चीज़ आपको ये करना है, दूसरा आपको प्रैक्टिकल जो है, जो जैसे आपने प्रैक्टिकल के मार्क्स के, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना प्रैक्टिकल दिया है ना टीएम में दिया है, तो उनको भाई उनके लास्ट टर्म के मार्क्स पे जो है प्रमोट किया जा रहा है, कि लास्ट टर्म में जो भी नंबर आए थे उसके बेसिस पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जिन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनके लिए मैंने ये लेटर तैयार किया भाई। जो भाई साहब लेटर दे रहे थे ना, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया 1,000 रुपये का लेटर, तो भाई यार मैं तो आपकी पूरी तरह से मदद करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम कल की वीडियो में ही बोला था कि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। भाई मुझे पता है यार, दुनिया ना मतलब ही है, मतलब पता नहीं क्या है, तो मैंने ये तुम्हारे लिए पूरा लेटर तैयार किया है। इस लेटर को मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है तुम्हें। देखो यहाँ पे तुम्हें डालना है अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना जो है अपना आपका ईमेल आईडी होगा, ठीक है। यहाँ डेट डाल देना, जिस भी दिन, अगर आज कल परसों जब भी भेजोगे तो वो डेट डाल देना। यहाँ छेड़छाड़ मत करना, कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे का ऐसे ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे इस चीज़ को हटा के अपना नाम डाल देना, ठीक है। यहाँ पे एनएक्स स्टूडेंट ये सब रहने देना। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना भाई, आप आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, ठीक है। आप आर्ट्स डिपार्टमेंट हो, साइंस हो, कॉमर्स से हो, ठीक है। और ये सही है, अपना रोल नंबर यहाँ डाल देना, ठीक है। यहाँ पे वाज की जगह इज़ करना, इज़ माई रोल नंबर इज़। चलो मैं खुद ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए, इज़, ठीक है। तुम्हारा रोल नंबर है ना अभी, एंड तुमने बोल देना कि भाई मैंने तो अपना आई हैव गिवन सबमिटेड, आई हैव गिवन या सबमिटेड, तो आप बोल देना आई हैव। जैसे अगर आप दे चुके हो तो आप चलो आप यहाँ पे सबमिटेड रहने दो कि मैंने सबमिट किया था अपना टीएम में, ठीक है। किसको सबमिट किया था वो भी इसके आगे डाल देना, किसको कहाँ पे सबमिट किया था, जो आपका स्टडी सेंटर है उसका नाम डाल देना, एट कितने तारीख को सबमिट किया था, ठीक है। और नहीं सबमिट किया था तो भाई यहाँ पे कॉज डाल देना। तो जिन लोगों ने सबमिट कर रखा है, जिन लोगों ने सबमिट कर रखा है भाई, वो यहाँ पे ये वाली लाइन हटा देना, कॉज वाली लाइन, ठीक है, नॉट सबमिटेड वाली लाइन हटा देना, और सबमिट कर रखा है तो उसमें डाल देना स्टडी सेंटर का नाम, जिस दिन सबमिट किया था, जिस डेट को सबमिट किया था, ठीक है, इतना डाल देना। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का भाई वो आ नहीं रहा है, जैसे पहले दिखा रहा था अब नहीं दिखा रहा। जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया यार, उन वो लोग इस वाली लाइन को हटा देना और ये लिख देना कि भाई मैंने सबमिट नहीं किया, नॉट सबमिटेड, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी की लाइन सेम टू सेम चेप देना, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे अपना से अपना नाम, यहाँ पे नीचे नाम की जगह पे अपना नाम डाल देना, अपना सब्जेक्ट, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर डाल देना, नीचे डेट डाल देना। साइन की ज़रूरत नहीं है, साइन करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप स्मार्ट हो उस पर कर सकते हो, है ना, तो उस पर कर ले सकते हो। तो ये जो लेटर है ना, ये जो मैंने पूरा लेटर तैयार किया है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको मुझे कोई चार्ज नहीं देना, बस मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि यार लाइक और शेयर फ्री होता है, वो आप करो, लाइक और शेयर करो। देखो लाइक करो, लाइक करो क्योंकि ये वीडियो आपको काम की लगेगी, और दूसरी बात शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार जिनको ना उन जैसे वीडियोस वालों के जमाले में ना पढ़ना पड़े, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो आजकल देखो सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो आपको भी सबकी मदद करनी चाहिए। तो मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा कि पर बंदा जितने भी, मैं यार ये नहीं देखता कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 10 व्यू आ रहे हैं, 20 व्यू आ रहे हैं, भाई मेरे चैनल पे व्यू कम आते हैं और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 10 भी लोग देख रहे हैं तो मैं उन 10 लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मैं उन 10 लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट अपने एक दोस्त के पास ये वीडियो मेरी शेयर करना, ताकि उनको हेल्प हो सके। दूसरा आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन में मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन ले लेता हूँ कि किन किन बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं, ठीक है। तो यार मैं समझ सकता हूँ सारी बातों को, इसलिए मैं आपको आज मैंने एक प्रीमियर रखा। तो इन्होंने बोला कि सर जी, ये राहुल गिल करके एक हैं, इन्होंने बोला कि सर जी मेरा टीएम में नहीं है तो मैं क्या करूँ, बताओ। देखो यार, अगर आपका टीएम में नहीं है तो देखो, मैंने आपको वेबसाइट दे दी है, यहाँ पे आप जाओ टीएमए लेट फी सबमिशन, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अप्लाई सबमिशन करो, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपका सबमिशन हो जाएगा यार। अगर आपने टीएम में नहीं सबमिट किया है अब तक तो सबमिट हो जाएगा। गगन नेगी करके उन्होंने बोला कि सर जी मैं उत्तराखंड बोर्ड से हूँ, यूके बोर्ड से हूँ, बोर्ड से था और मेरा मैथ में बैक लगी थी, ठीक है। जब मैंने तब मैंने बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था CBSE से, ठीक है, सॉरी मैं तब मैंने NIOS बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था, 3 सब्जेक्ट का, 2 का क्लियर हो गया था, मैथ में बैक लगी हुई थी, बट सर मैथ में तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो मैंने TMA सबमिट नहीं किया, बट तब मैंने अप्रैल के लिए फॉर्म भर दिया था, तो क्या मैं भी पास हो जाऊंगा। यार देखो,
आपको हो सकता है कि NIOS पिछले सब्जेक्ट के बेस पे पास कर दे, हो सकता है कि NIOS पिछले सब्जेक्ट के बेस पे पास कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने लेटर बताया ना दोस्त, वो लेटर जरूर डाल देना गगन, ठीक है? वो लेटर डाल देना, तो उसकी वजह से होगा क्या है कि यार आपका एक बट पड़ेगा, ठीक है, कि एटलीस्ट ये बंदा कंसर्न है मेरे लिए। लेटर में कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली अपने मोबाइल से ही एडिट करना है। एडिट करके मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर पर जाके फटाफट उनको व्हाट्सएप कर देना, और कुछ नहीं करना है। एक 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 हमारी और स्टूडेंट है, उनका नाम है संगीता पाउल। इनका एक क्वेश्चन है कि मेरा TMA स्टेटस सबमिट है पर मार्क्स शो नहीं कर रहा है, मैंने NIOS के हेल्पलाइन में कॉल किया था, दे सैड NIOS वालों ने अभी हाइड करके रखा है, चिंता वाली बात नहीं है, तो प्लीज़ टेल मी मेरा टीएमए जो है, प्लीज़ टेल मी कि मेरा TMA जमा है कि नहीं। देखो ऐसा है कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है, पहली बात तो मैं भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने हाइड करके इसलिए रखा है क्योंकि उनको, वो हाइड करके नहीं रखा यार, बेसिकली उनके साथ यह क्या है कि वो जैसे जैसे नमाक्स देते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे उस चीज़ को हाइड करते जा रहे हैं, ठीक है? तो एक जो अफवाह फैलाई जा रही है वो ये है कि यार TMA में अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो भाई आप हो जाओगे फेल, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन भाई ये फेल हो जाओगे ना, तो इसी का सॉल्यूशन ये लेटर देगा आपको। इस लेटर को आपको सबमिट करना है। वैसे मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, मेरे को कोई वो नहीं है कि यार फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा नहीं आपके साथ, ठीक है? अगला सवाल ले लेते हैं, अंकित शर्मा का सवाल है। इन्होंने बोला कि भाई मैंने CBSE 10th से दिया था, ठीक है, 10th CBSE से दिया था इन्होंने, और 83% आए थे। अब 12वीं में मैंने NIOS से दिया है सर, प्रैक्टिकल सबमिट किया है 3 सब्जेक्ट का, ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकल सबमिट किया है 3 सब्जेक्ट का, और ये बोल रहे हैं तो क्या मुझे 10th CBSE के बेस पे मार्क्स मिलेगा? आई एम सॉरी अंकित, ऐसा कुछ नहीं है। CBSE एक अलग बोर्ड है और NIOS एक अलग बोर्ड है, ठीक है? तो दोनों अलग अलग बोर्ड होता है, लेकिन हाँ आपने जो 3 सब्जेक्ट सबमिट किए थे उनके प्रैक्टिकल सबमिट किए थे, हो सकता है कि NIOS आपको उसके बेस पे मार्क्स दे दे। लेकिन यार ऐसा करना है कि आप एक लेटर, यही वाला लेटर जो है, अपनी प्रॉब्लम्स लिख के अपने जो है वो लेटर सबमिट कर देना, ठीक है? इसके बाद एक बॉबी का कमेंट है, बॉबी धवन का कमेंट है। इन्होंने बोला कि भाई मैंने TMA नहीं दिया था तो क्या करना होगा? बॉबी कोई बात नहीं, TMA नहीं दिया तो सिंपल से बात है, मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई फॉर TMA कर सकते हो। क्योंकि यार ऐसा है ना, मैं आपको पहले से एक चीज़ और बता दूं कि जिन्होंने TMA और प्रैक्टिकल दिया है, ठीक है, इस बात को मेरे ध्यान से सुनो, जिन्होंने TMA और प्रैक्टिकल दिया है उनके 70 अबव मार्क्स पक्के हैं, ठीक है? लेकिन यार जिन्होंने TMA नहीं दिया, प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो भाई वही बात है, 50% कट के आएगी, ठीक है? तो कटने के चक्कर में अच्छा है कि आप उसको दे दो। फिर इन्होंने एक सोलंकी विजेंद्र का कमेंट है, इन्होंने बोला सर मैंने अक्टूबर 2009 में 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी थी, तब मैंने 2 सब्जेक्ट में पास हो गया था और 1 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, तो सब्जेक्ट चेंज कर लिया, पेंटिंग कर लिया। अब मेरे मार्च में एग्ज़ाम थे पर प्रैक्टिकल तो पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो सर मैं पास हो सकता हूँ? बिल्कुल आप पास हो सकते हो सोलंकी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल दे रखा था तो आप पास हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? फिर एक JD अंसारी का, देखो मैंने मैंने कल कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा आपको। आप जितने दबा के कमेंट कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस आपके मन में है यार सारे क्वेश्चन करो। ये आपका रेडिकल गुरु का जो चैनल है, बेसिकली ये मैंने बनाया ही इसीलिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स की सारी मदद कर सकूँ। यार मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है आपके लिए, ठीक है? मैं आप मुझे कुछ दे रहे हो ना, मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स के लिए ये एक पोर्टल है यार, आप बाकी सारे NIOS पोर्टल भूल जाओ, सिर्फ आपको ये मेरा चैनल ध्यान रखना है, ठीक है? और आपका भाई मदद करेगा यार, मैं आपको दिल से भाई मानता हूँ, दिल से, मैं आप मेरी बहन हो, भाई हो, ठीक है, दोस्त हो, ठीक है? JD अंसारी का कमेंट आ रहा है सर मैंने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था NIOS क्लास 10 2019 का, अच्छा ये तो मैंने पढ़ दिया शायद, ठीक है? इसके बाद ये बोल रहा है कि सर बस इतना बता दो कि TOC वालों का क्या होगा, पास हो गया है या नहीं? मेरा इंग्लिश में, इंग्लिश का नंबर ट्रांसफ़र हुआ था CBSE का PCM में, यानी कि इनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ये फेल हो गया था। तो भाई देखो ऐसा है कि अगर आपने प्रैक्टिकल या TMA में दिया है तो आप पास हो जाओगे, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? पार्थ का एक कमेंट आता है, ये बोलते हैं कि सर पहले TMA सबमिट दे रखा था और अब ब्लैंक आ रहा है। तो भाई उसी के बेस पे मैं पार्थ ये आज की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको साफ साफ बताया कि हाँ अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, 2-3 दिन बाद आपके आप सभी लोगों के जो TMA हैं, जो जो शो हो रहे थे पहले अब नहीं हो रहे, वो दोबारा शो होने लगेंगे। कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो जाता है,
ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना TMA वगैरह सबमिट नहीं किया था, या जिन बच्चों ने क्या नाम है जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए लेटर है, लेटर व्हाट्सएप पे कीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यार। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा भी व्हाट्सएप नंबर है, NIOS सॉल्यूशन के नाम से हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ना सिर्फ सुनी जाएंगी बल्कि उनको हल करने की मैं 101% कोशिश करूँगा। और जितनी ज़्यादा हो सके यार अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, क्योंकि ये प्रीमियर है, ये प्रीमियर होगा तो मैं भी जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइव करने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको शेयर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके साथ बैठ के शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आपका लिंक आपको सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो भी प्रॉब्लम है आपको पूछ लीजिए, और भगवान करेगा आप सभी के अच्छे अच्छे नंबर आएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं मैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी। अपने दोस्तों को कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू फॉर ऑल।